इंटी ब्लॉग अरे 200 200 200 गाइस तो फाइनली अभी यहाँ पे देख रहे हैं 1300 रुपए का ये रहा डबल प्लाई का डबल बेड का और जो ऊपर आगे देख रहे होंगे तो है सिंगल प्लाई का उधर साइड में जो रखे पड़े वहाँ पे हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो यार, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस तो आज आपको मैं किसी से मिलाना चाहता हूँ, शायद आप पहचान जाते हैं। तो गाइस आपने पहचाना इसको कौन है? तो गाइस ये है मेरी बुआ है, जो सोनी बुआ, उनकी बेटी आरके थे कल घूमने के लिए पानीपत, बट एक ही दिन के लिए आए और आज जा रहे हैं फिर दिल्ली। तो अभी जाएंगे मार्केट, जो बुआ और को वहां से कुछ शॉपिंग करानी है, तो उसके बाद सीधा वहीं से निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। और अभी चलते हैं फिर मार्केट, और आज हम आपको ले जाएंगे पालिका बाजार, जो है कंबल का सबसे बड़ा मार्केट वहाँ पानीपत के अंदर, रेड लाइट के अंदर। तो अभी वहाँ पे जाएंगे, और सामने इधर देखो बुआ भी हमारी रेडी होके आ चुके हैं। कपड़े तो चलो फटाफट से चलते हैं और मार्केट की ओर निकलते हैं घर से। और डब्बू को देखो इधर आ रहा है, डब्बू काम वो भी सोच रहा है कि आज कहाँ जा रहे हैं, देखो आगे मेरे पास। तो गाइस तो फटाफट से ना आपको सीधा मार्केट में रेड लाइट पे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। फिलहाल हम बैठ चुके हैं ऑटो में और यहाँ से जाएंगे सीधा रेड लाइट मार्केट की ओर। सिस्टर बुआ और मम्मी और इधर बैठे, अरे है गोल चक्कर एरिया सविता गैस एजेंसी। पहुंच चुके हैं रेड लाइट और यहाँ से भी जाते हैं अंदर की ओर मार्केट के अंदर। तो यहाँ से भी हमारे को रोड क्रॉस करके जानी है। वैसा फाइनली यहाँ से अंदर की ओर एंट्री और की ओर आ जाए संडे, तो आज लगा रहा होगा संडे मार्केट। तो देख सकते हो आप कितनी भीड़ लगी पड़ी है अभी मार्केट के अंदर एंट्री करते ही। तो यहाँ पे देखो ये सेल लगी पड़ी है इधर साइड में भी बाहर में। यहाँ पे स्टॉल पता नहीं क्या रेट होगा, 150 होगा, 200 स्टॉल। इधर ये देखो आ जाओ 150 150 150, ये भी 150 150, सारे 150 150 रुपए की सेल लगी पड़ी है साइड में। आ गया अभी आप जाओगे उधर और भी जब आपको दिखाई देगी सेल। थोड़ा तो कोई बात नहीं, देखने में इधर साइड में पता है इस लोग ना ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं जैसे कि कौन चल रहे होंगे। तो मार्केट में देखो भीड़ कितनी है अभी। फूड चार्ट 150। तो अभी हम जाएंगे सबसे पहले मार्केट में, जो साइड में कंबल की मार्केट है, तो चलते अंदर की और आपको उधर ही दिखाते हैं। तीन सौ रिंग लाइट कवर है, आईफोन नहीं है। गाइस तो यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है कंबल की मार्केट, ये देख सकते हैं इधर साइड में रजाई कंबल जो मर्जी लो आप, आपको इधर सब जगह दिखती रहेंगी। ये देख सकते हो और यहाँ से एंट्री होती है सीधा कंबल की। ये देखो यहाँ पे बिक रही है इधर साइड में, और आप इधर से आगे भी जाओगे आपको और दिखते रहेंगे। तो हम यहाँ से चलते हैं आगे सीधा, तो ये सबसे बड़ी मार्केट इधर साइड को ही है। तो अभी चलते हैं कंबल मार्केट, चाहे आप इधर छाड़ लो, चाहे आप उनके कवर लो, या आप पतले वाले लो, या डबल साइड के जो मर्जी लो, आपको सब किलो के भाव मिलते हैं। डबल बेड के होते हैं ना, सिंगल प्लाई होती है, डबल प्लाई होती है, वो वाले कंबल भी मिलते हैं इधर साइड में, आप यहाँ पे प्राप्त मिल जाएंगे आपको। ये देखो ये रे साइड
तो गाइस तो फाइनली अभी यहाँ पे देख रहे हैं 1300 रुपए का ये रहा डबल प्लाई का डबल बेड का। और जो ऊपर आगे देख रहे होंगे तो है सिंगल प्लाई का, उधर साइड में जो रखे पड़े वहाँ पे तो गाइस तो फाइनली हमारा पैक हो चुका है, ये वाला पसंद आया। गाइस तो फाइनली कंबल ले लिया है और अब बुआ और को बिठा देते हैं बस में और फिर वो यहाँ से सीधा चले जाएंगे दिल्ली के और बाद में फिर हम कर लेंगे अंदर जाके शॉपिंग बहुत जो हमको करनी होगी क्योंकि बुआ और भी बहुत लेट हो गए ना तो उनको फटाफट से बिठाना पड़ेगा। अब पहले तो दिल्ली में जा रही है पब्लिक तो ट्रेन की है ये रही दिल्ली की दिल्ली तो गाइस ये रही दिल्ली की बस लगी पड़ी यहाँ पे। अब हुआ नेक्स्ट टाइम आना और दिन कुछ रुक के रहे अभी तो आप फटाफट बड़ी जल्दी जा रहे हो ठीक है अगली बार आएंगे अच्छे से दो तीन दिन रहेंगे। चलो कोई नहीं अगले महीने तो मैं ही आ रहा हूँ फिर दिल्ली फिर दिल्ली में मिलेंगे आपको। तो गाइस तो फाइनली यहाँ पे हमने बिठा दिया बस में बुआ और को और बैठ गए तो बैठ चुके हैं यहाँ से बस में। चलो हम भी चलते घर की ओर। अरे 200 200 200 कल ना जब हम मार्केट गए थे तो मार्केट से हम सीधा आए थे घर पे पहुंच गए थे ठीक 7 बजे के करीब और बुआ और को वहाँ से हमने जो शॉपिंग करानी थी उन्हें कंबल लेने थे ना डबल बेड के लिए तो हमने वहाँ से उनको दिला के फिर वहाँ से मार्केट से बाहर आके उनको गाड़ी में बिठा के प्रॉपर अच्छे से दिल्ली पहुँचा दिया था। तो शाम को ना 8 बजे के करीब पहुँच गए थे क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक जाम था ना शाम के टाइम पे आपको पता ही है एक संडे भी था और ट्रैफिक जाम था तो इसी कारण से थोड़ा और लेट पहुंचे नहीं तो आराम से और टाइम से पहुंच जाते थे। वो कम से कम 4 बजे के करीब पहुंच गए थे वैसे 2 घंटे का रास्ता था तो 6 बजे तक आराम से दिल्ली भी पहुंच जाते हैं जो 6 या 5:30 बजे तक आराम से पहुंच जाना था बट मगर उन्होंने यही कहा था ट्रैफिक जाम के कारण से उनको फिर दिक्कत होगी ना वहाँ से मेट्रो से निकल गए थे तो सीधा 7:30 या 8 बजे के करीब फोन आया था तो पहुंच गए थे घर पे। और तो अभी तो मैं गाइस बाहर में आ रखा हूँ डेली का जो काम होता है वो सारा पूरा हो चुका था करके बाहर आ रखा था और हाथ देख रहे होंगे आप मेरे कितने काले और के गंदे। तो मैं ना साइकिल को यहाँ पर रिपेयर कर रहा था इसकी ना चैन ढीली है तो मैं कहा थोड़ी इसको टाइट कर दो बाद में जो काम होगा इसको रिपेयर करवा लेंगे इसमें जो आएगा तो ऐसे ही मैं वीडियो देख के मैं चेक कर रहा था तो मैं कहा इसको भी टाइट कर देते हैं वैसे फिर लंच टाइम भी होने वाला फिर मम्मी भी आएंगी तो फिर अभी रोटी बनाएंगे। और गैस देखो आज मौसम थोड़ा ठीक अच्छा है धूप भी आ रखी है सूर्यदेव भी प्रकट हो गए ओ वहाँ पे तो चलो अच्छी बात है थोड़ी बहुत एनर्जी भी मिल जाएगी धूप में बैठे बैठे हमारे को नहीं तो ठंड तो भाई क्या बोले बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली ठंड हो रही है भाई ना धूप नहीं आ रही थी इतने दिनों से और बाहर में बैठने का मन नहीं कर रहा था जब धूप आ जाए ना थोड़ा धूप में बैठ के ना क्या एकदम मस्त वाला सुकून आता है ना क्या बोले कि एक शरीर भी एनर्जी मिल जाती है शरीर को भी और जो साइड में इधर कपड़े भी धो के डाल रखे वो भी अच्छे प्रॉपर से सूख जाते हैं। तो बाकी तो अभी
थोड़ा इसको ठीक करते हैं, फिर मम्मी का भी आने का टाइम हो जाएगा, 1 बजने वाले, फिर बाकी जो दिन में फिर रोटी वोटी बनाएंगे, लंच करेंगे, और फिर मम्मी भी 2 बजे के बाद चली जाएगी। कल तो छुट्टी थी तो कल घर पे थे, तो बस अभी तो यही चल रहा है। अब मौसम देखो एकदम मस्त हो रहा है आज तो। जब धूप हो जाए ना तो मौसम एकदम अच्छा लगता है, और जब धूप ना रहे ना तो धूप के बगैर बाहर आने का दिल ही नहीं करता, और गर्मियों में तो बैठने का दिल नहीं करता। तब वो भी आ गया अंदर से बाहर धूप में बैठने के लिए। देखो तो चलो फटाफट से इसको रिपेयर करते हैं, और उसके बाद फिर मम्मी का भी आने का टाइम हो जाएगा, फिर रोटी वोटी बनाते हैं। तो गाइस इसकी ना ये चैन है ना जो देखो कितनी ढीली है, बहुत ज़्यादा। ये देखो इधर साइड में भी देखो यहाँ से कितनी ढीली है, तो जिसके कारण से ना चलते चलते ना अपने आप बीच बीच में निकल जाती है। तो इसका तो एक स्टैंड भी नया लगाना पड़ेगा यार, ये भी खराब हो रहा है। तो देखो कितनी ढीली है, इसको ना इतना टाइट करना है कि जो ठीक रही अभी भी।